लखनऊ की फ़ोटो जो जब पहली बार आई उस पर, तो मुझे एक मोटिवेशन मिला। अवार्ड्स मुझे केन्या से, बांग्लादेश से, इंडिया के बहुत सारे अवार्ड्स मिले हमें। फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ अमेरिका से डिस्टिंक्शन मिला है। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। हर सप्ताह एक कोई शख्सियत आपके सामने लाता हूं, और होता क्या है कि उस शख्सियत से दूसरी शख्सियत भी मिलती रहती है। अंजू मिश्रा, चीफ मैनेजर कॉर्पोरेट प्लानिंग, आईटी के की स्टूडेंट रही हैं, और इनकी पिक्चरों को रिकॉग्निशन भी बहुत मिला है। जब हम बातचीत चल रही होगी तो इस बीच में इनकी तस्वीरें आपको दिखती चलेंगी। फैमिली वाले भी हैं और तो मैनेज करना और उधर कंसंट्रेट करना पिक्चर के ऊपर अपने काम के अलावा, कैसे संभव होता है? ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ऑल ऑफ सडन वो एक हॉबी आ गई और मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। तो मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाती हूँ हिस्ट्री में, तो मैं जब कॉलेज में हुआ करती थी तो हमारे पास डिजिटल कैमरा नहीं होता था उस समय। वो नए नए कोडेक के कैमरे स्टार्ट हुए थे जो 500 रुपए में मिल जाते थे, जैसे रिलायंस ने निकाला था ना 500 के फ़ोन्स, उस तरीके से कैमरेज आते थे। तो उस पर हम लोगों ने रील से करना शुरू किया था। जॉब में आ गए, बीच में छोड़ दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, नहीं किया, कभी ध्यान नहीं दिया। बट जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ और जब मैंने उसको फिर से डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं कॉलेज में किया करती थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी जो अंदर जो ये चीज़ थी जिसको मैं बहुत ज़्यादा, मतलब दिल से जो मेरे बहुत करीब था, मैंने उसको छोड़ दिया था। तो मैंने फिर स्टार्ट किया वो करते हुए, मुझे लगभग अब 7-8 साल हो चुके हैं। मेरा बेटा हो रहा है 8 साल का, तो समझ लीजिए कि 8 साल की मेरी मेहनत इसमें भी है। बिल्कुल मैंने एक बेबी की तरह इसको भी पाला है, पोसा है, एंड धीरे धीरे अब इस लेवल पे आ गया है कि अब मैं समझ पाती हूँ कि हाँ कुछ मैंने अचीव किया। हालांकि इतना कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ जो किया जा सकता है उन्होंने किया था। फिर बहुत हद तक सपोर्ट मेरी फैमिली का है, मेरे हस्बैंड हैं बहुत सपोर्टिव हैं, या फिर मुझे जैसे कभी मौका मिलता है जाने का ऑफिस के टूर पे तो मैं वहाँ पे करती हूँ, या मुझे अगर अपना पर्सनल कुछ टूर बनाना होता है तो मेरे हस्बैंड बच्चों को देखते हैं, उनको मैनेज करते हैं। तो बस एक हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और उसी के तहत मुझे हो पा रहा है, टाइम मैनेज कर पा रही हूँ मैं। तरीके से ना मेडिटेशन है ये, अगर देखा जाए। हम जितना ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, तो लगता है कि हमारी जो दुनिया है ना, हमने बहुत छोटी उसमें सीमित कर रखी है। एक्चुअली दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत खुशी है, मतलब हैप्पीनेस है। अगर हम बाहर निकल के देखें इस पॉलिटिक्स और न्यूज़ में जो भी चीज़ें आती हैं, लोग परेशान होते हैं, उसके अलावा दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नए तरीके के कल्चर है जिनको हमने कभी पढ़ा भी नहीं होता है, क्योंकि वो छोटी छोटी जगहों पे इस तरीके से है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। और वो जब मिलते हैं उनसे बातें करके और वो निकाल के देते हैं, अच्छा ये देखिए, अच्छा ये देखिए, तो बहुत अच्छा लगता है उनको कवर करना। जो टेक्निकल सपोर्ट है जी, ये शुरू से ही आप करना शुरू की थी, तो कैसे लेना शुरू किया था आपने सपोर्ट, कैसे लेना की शुरू किए थे आप हेल्प, इंटरनेट के माध्यम से या किन्हीं लोगों के साथ या अपने आप प्रैक्टिस करके? अच्छा कैमरा, हाँ कैमरा अच्छा। किस तरह रिएक्ट करेगा जी, इमेज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मैंने छोटा सा कोर्स किया था, बिगनर कोर्स था, यहीं दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट है, डीकॉप दिल्ली फोटोग्राफी कॉलेज है, तो वहाँ से किया था मैंने। सीखा मैंने बेसिकली जो इसके टेक्निकल थिंग होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, क्या होता है। इस चीज़ में बहुत लकी हूँ कि मुझे हर फील्ड के एक नए तरीके के मेंटोर मिले। मतलब अगर चाहूँ तो मैं अगर बताऊँ आपको, तो ट्रैवल के मेरे पास मेंटोर हैं, कल्चर जो कवर करते हैं वो लोग हैं, काम देखते हैं वो लोग, फिर उनको लगता है कि हाँ बताने से शायद और इम्प्रूव होगा, तो वो लोग मेंटरिंग करते हैं और फिर धीरे धीरे इस लेवल तक पहुँचाए, उन्हीं लोगों की वजह से पहुँची हूँ मैं। फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ अमेरिका से डिस्टिंक्शन मिला है। उसके अलावा बहुत सारे एग्जीबिशंस हो गए हैं इंटरनेशनली, बहुत एग्जीबिशंस हुए हैं मेरे, ग्रुप्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते रहते हैं हम, और अवार्ड्स मिले हैं। अवार्ड्स भी छोटे लेवल से लेके और बड़े लेवल तक के अवार्ड्स हैं, तो बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा है बट बहुत है। साथियों ये थी अंजू मिश्रा और उनकी फोटोग्राफी आप देखें।
उनकी बातें भी सुने। हम इनसे आग्रह करेंगे कि अगर कोई बड़ा रिकॉग्निशन मिले, अवार्ड मिले, तो जरूर हमें सूचित करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपके साथ भी शेयर किया जा सके। आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा जरूर करें कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो एक दे रहा हूँ। कैनबरा में एक फोटोग्राफर हैं जो आपको फोटोग्राफी और रोटीग्राफी पर बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत अनुभवी, तकरीबन 50 साल से काम कर रहे फोटोग्राफी में, और कोई दूसरा वो काम नहीं करते, दिन रात शूट करते हैं। उनका क्या कहना है और टेक्निकल बहुत सारी वो टिप्स उन्होंने दिया है। तो आप जुड़े रहें चैनल के साथ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।